नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर पुलिस ने शरारती तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत दो अलग अलग मामलों में दो स्नेचरों और एक फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। जालंधर क्राइम ब्रांच देहात की पुलिस ने एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार, 700 ग्राम अफीम की बरामद। जालंधर के गांधी कैंप इलाके में एक 9 वर्षीय बच्ची पर पिटबुल कुत्ते ने किया हमला, बच्ची गंभीर अवस्था में अस्पताल में उपचाराधीन। और अब हलचल विस्तार से। फिरोजपुर पुलिस द्वारा शरारती तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत कार्यवाही करते हुए विभिन्न मामलों में दो स्नेचरों व एक फरार आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी फिरोजपुर सुरेंद्र लांबा ने बताया कि शहर में समाज में विरोधी शरारती तत्वों के खिलाफ पुलिस द्वारा विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो कि पूरे क्षेत्र में शरारती तत्वों के खिलाफ कार्यवाही कर रही हैं, जिसके तहत पुलिस ने गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा निवासी गांव शेर खान फिरोजपुर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 260 ग्राम हेरोइन, 10,000 रुपए की ड्रग मनी, एक आईफोन और एक वरना कार बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने दो स्नेचरों को काबू किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इन दोनों मामलों में कुल 469 ग्राम हेरोइन, 800 बोतल अवैध शराब, 9 चोरी की गाड़ियां भी बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। फिरोजपुर से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। तो साड़ी बड़ी इंटेंसीफाइड ड्राइव चल रही हैगी, तो जदों तक आ नशा खत्म नहीं होंदा साड़ी ड्राइव रुकने वाली नहीं हैगी। तो असी कमिटेड हाँ फिरोजपुर नूं ड्रग फ्री करन वास्ते। तो इत्थे जिहड़े भी लोग नशे तो तंग हैगे, परेशान हैगे, तो जिहड़े केवल एडिक्ट हैगे, नशा सप्लाई दे चेन च इनवॉल्व नहीं हैगे, वह साड़े राही भी तुहाड़े राही भी सीधा भी जाके ड्रग डी एडिक्शन सेंटर ते अपने आप नूं रजिस्टर करा के ते सरकारी नशा मुक्ति केंद्र ते अपने आप नूं भर्ती करके ते उत्थों दवाइयां ले सकते हैं, सो दैट कि वो आ जिहड़ा ड्रग स्मगलिंग रैकेट हैगा उहदा पार्ट ना बनन ते इत्थे ठल पाई जा सके। ते जिहड़े सप्लायर हैगे उहनां नूं असीं फड़ रहे हां, चाहे वह छोटे हो, मीडियम चेन दे होण, चाहे उपर वाले हों। जालंधर क्राइम ब्रांच देहात की पुलिस ने 700 ग्राम अफीम सहित एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच देहात के इंचार्ज पुष्प बाली ने बताया कि एएसआई भूपिंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित जीटी रोड से मोहल्ला पंजाबी बाग की तरफ गश्त पर थे। जैसे ही पुलिस पार्टी पंजाबी बाग के गुरुद्वारा सिंह सभा के पीछे वाली गली में पहुंची तो सामने से आ रही एक महिला जिसके हाथ में दूध का डोल पकड़ा हुआ था उसे शक के आधार पर रोका। पूछताछ में महिला ने अपना नाम निशा, पत्नी स्वर्गीय प्रदीप चौधरी निवासी मोहल्ला अशोक विहार नजदीक वेरका मिल्क प्लांट बताया। पुलिस पार्टी ने जब डोल की तलाशी ली तो उसके अंदर एक और डोल था जिसमें प्लास्टिक के लिफाफे में लिपटी हुई 700 ग्राम अफीम थी। महिला ने डोल को खास तौर पर तैयार करवाया था जिसके ऊपर देसी घी डाला हुआ था और नीचे के डोल में अफीम रखी हुई थी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ थाना मकसूदा में मामला दर्ज कर लिया है। महिला तस्कर पर पहले भी अलग अलग थानों में 7 मामले दर्ज है। पुलिस महिला से आगे की पूछताछ कर रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कल SSP साहब जालंधर देहाती जी के दिशा निर्देशों से मकसूदा एरिए सर्च अभियान चल रहा है। तो ASI भुपिंदर सिंह की निगरानी हेठ निशा, पत्नी लेट प्रदीप चौधरी, अशोक विहार डिवीजन नंबर 1 को गिरफ्तार किया है, जो देसी घ्यो दे डोलू विच, दुध वाले डोलू दे विच थले अफीम रख के सप्लाई करती सी, लैके जा रही सी, काबू करके उस पासों 700 ग्राम अफीम बरामद की है, जो इस दे खिलाफ 7 मुकदमे वख-वख धाराएं हेठ वख-वख थाने दे विच दर्ज हैं, जिस विच 2 मुकदमे जिन्हां विचों ये सज़ा भी हो चुकी है। इस खिलाफ थाना मकसूदा विच 120/22 मुकदमा 18/85 तहत दर्ज रजिस्टर करके पेश अदालत किया जा रहा है।
उस बारे भी असी जांच कर रहे हैं। ये अगेंस्ट 31 NDBS एक्ट का वादा करके इसके खिलाफ बनता चलान अदालत दिता जाएगा। इस संबंधी सारी जोड़े है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक असी सारे कढ़ रहे हैं, यदि जायदाद का वेरवा कढ़ रहे हैं, जितों ये डोलू तैयार करवाया गया है उस डोलू वाले के खिलाफ भी असी कार्रवाई करांगे। जिस ये सारा जांच कर रहे हैं, रिमांड लैके सारी पूछगिछ कर रहे हैं, इस बारे असी प्रोपर जिहड़ा छानबीन कर रहे हैं, रिमांड लैके सारा तुहानूं ब्रीफ किया जाएगा। जालंधर के गांधी कैंप इलाके में एक बार फिर से एक 9 वर्षीय बच्ची पिटबुल कुत्ते का शिकार हो गई, जिसके बाद बच्ची को गंभीर घायल अवस्था में सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़िता बच्ची जानवी के पिता बॉबी ने बताया कि मोहल्ले में एक परिवार की ओर से यह खतरनाक कुत्ता पाला हुआ है, जिसे कई बार वे खुला छोड़ देते हैं, जिसके चलते जब उनकी बेटी सामान लेने बाजार गई तो उक्त कुत्ते ने जानवी पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। फिलहाल घायल जानवी को जालंधर के सिविल अस्पताल में इलाज उसका चल रहा है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ शादी एक पवित्र रिश्ता है। शादी के बंधन में बंधकर पति पत्नी की ओर से जन्मों जन्मों तक इकट्ठे रहने का वायदा भी किया जाता है, लेकिन ना अमृतसर के जंडियाला गुरु के अधीन आते अमरकोट गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक लड़की की ओर से अपने पहले पति से तलाक लेकर दूसरी शादी करवाई गई और दूसरे पति को तलाक दिए बिना ही अब तीसरा विवाह रचा लिया गया। जब इसकी जानकारी उसके दूसरे पति को लगी तो उसकी ओर से इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। इस दौरान पीड़ित गुरप्रीत सिंह का कहना था कि उसका विवाह लॉकडाउन में बड़े ही सादे ढंग से शुरू गुरुद्वारा साहिब में हुआ था। पीड़ित का कहना है कि उसे पहले पता था कि उसकी पत्नी का यह दूसरा विवाह है। उसने कहा कि उसकी पत्नी छोटी छोटी बात को लेकर उससे झगड़ती रहती है। लगभग 8 महीने पहले वह अपने मायके घर चली गई और जब वह उसे लेने मायके घर गया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने अब तीसरा विवाह करवा लिया है। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि उसकी पत्नी ने बिना उसे सूचित किए और बिना उसे तलाक दिए तीसरा विवाह करवाया है, जिसके चलते पीड़ित व्यक्ति की ओर से माननीय अदालत का दरवाज़ा खटखटाकर इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नहीं, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं होया, मैं घर नहीं है, मेरे मगरों चल गई। कितने बजे गई? चल गई नहीं, दोपहर 1-3 बजे मैं तो घर मटरा गई हाँ, मगरों भरा ने फोन किया चल गई है, वो आ गया तो लै गया मोटरसाइकिल लगा के। कौन आया ही? भरा ओ। अच्छा, भरा ने खड़ा? हाँ जी, मैं घर नहीं है। ते कोई समान वगैरह भी? समान वगैरह मोबाइल ही मुंडे का बेट मेरे का वो लै गई है, 2-3 हज़ार रुपया ही वो लै गई है। ते हुण वो किथे है इस वक्त? इस वक्त तो अपने सोहरे जिते ब्याही है। नहीं, ब्याही तो तुहाडे बेटे नाल ही? नहीं, जिते होना गया ही है। सर कोई चक्कर नहीं है, मेरी मिसेज अज तो कुछ 7-8 महीने पहले की नौ की गल हैगी कि बिना दसे ही घर छड़ के चले गई है, तो घर जाके मतलब अं पंचायत के थ्रू उन्होंने पंचायत के थ्रू भी उन्होंने एक परिवार नाल गल करते रहे हैं कि कुड़ी बिना घर तो घर छड़ के आ गई, तो अं लैन आता तो वो परिवार सानू कहिंदे कि अं कुड़ी नू कुलाउणा, तो बार बार अं बड़ी बार कोशिश की है, मैं अपने परिवार नू लैके भी जाता रहा, मैं कला भी जाता रहा, पर उन्होंने कुड़ी नू नहीं भेजिया, तो कहिंदे अं कुड़ी का कितने होर विआह करना वा, ते बिना दसे ही उन्हें दूजा विआह कर दिता वा। हाँ जी, धोखे धड़ी दे नाल विआह करवाया इन्हें। किन्ने विआह करवाया, की नाम है जी उहदा? उहदा नाम गुरप्रीत सिंह आ, प्यो दा नाम सुखदेव सिंह, ते पिंड अमरकोट दा है। ते हुण की गल होई? हाँ जी, उन्हें तीजा विआह करवाया मेरे नाल, वह भी धोखे धड़ी दे नाल, उन्हें कोई गल नहीं मैनू दसी कि जा मेरा विआह होया वा जा तेरे नाल तीजा वा जा नहीं, इह ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਮਣ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅਮਰਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ,
जो कोर्ट आर्डर करूगी मुताबिक कार्रवाई की जाऊगी जिदे भी खिलाफ बनूगी कार्रवाई की जाऊगी। कांग्रेस पार्टी के विपक्ष नेता प्रताप सिंह बाजवा प्रेस वार्ता करने जालंधर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चला हुआ कारतूस है, अगर वह भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं तो इस बात की खुशी है। तो वहीं आप नेताओं को करोड़ों रुपयों में खरीदने वाली बात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह महज आप पार्टी द्वारा अफवाह फैलाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और भाजपा इनके विधायकों को क्यों खरीदेगी जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप विधायकों के साथ केजरीवाल ने मीटिंग की जिसमें अमृतसर के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह नहीं पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावों से पहले कुंवर विजय प्रताप को स्टार बनाकर प्रचार किया गया और अब उनकी पार्टी आई तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जानकारी दी है, देखो वो कहते हैं जो पूरा वगद है तो सियाने बंद पता हों बरसात आने वाली जदों अपने सज्जे हथ या खब्बे हथ केजरीवाल साहब ने हरपाल सिंह चीमा बिठा लिया तो अपने आप तुम जानकारी उन्होंने दे दी कि अगला हाई कोर्ट के XML गए ने ऑनरेबल हाई कोर्ट की फैसला कर दी उस तो बाद मैं नाले कोई भी स्टेटमेंट तो मैं टिप्पणी उदों दूंगा जो मैं पढ़ लिया दस 8-7 महीने के पुराने हो सकता छेती तुर जाए मैं लगता लुफ्तेंजा वाला एपीसोड हो सकता है इन्हों छेती तुर सा कहना कि बड़ी खुशी वाली गल है कि कैप्टन साहब चले गए ने जिहड़े सवालों के जवाब लोग सानू पुछदे सी हुण बीजेपी नू पुछया करनगे असीं बहुत मशकूर हाँ नड्डा साहब दे के उन्होंने कैप्टन साहब नू अपने कोल बुला लिया। इस गल बारे मैनू इलम नहीं मैनू सारी गल स्टडी कर रहा तो फिर मैं तुहाडे वास्ते हाज़र हाँ आओ सो चंडीगढ़ मेरे को दाल फुलका छको नाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सर। केजरीवाल साहब ने क्या जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो लुधियाना चैप्टर की ओर से 9वीं AGM आत्मश्रमण कम्युनिटी सेंटर सिविल लाइन में संपन्न हुई। मीटिंग का शुभारंभ नवकार मंत्र के उच्चारण के साथ किया गया। मीटिंग में मंच संचालन की भूमिका अमित जैन ने निभाई। मीटिंग में पवन जैन व सुधीर जैन ने जीतो द्वारा 2 वर्ष में किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण दिया एवं पूरे वर्ष की लेखा जोखा रिपोर्ट पेश की। इस दौरान चुनाव अधिकारी अतुल जैन की अगुवाई में चुनाव प्रक्रिया में राजीव जैन को सर्वसम्मति से वर्ष 2022-24 तक के लिए चेयरमैन नियुक्त किया गया। इसके अलावा विनोद कुमार जैन को वाइस चेयरमैन, पवन जैन को चीफ सचिव, अशोक जैन, नीरज जैन, राकेश जैन, मुनीश जैन व भाविक जैन को कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया। इसके अलावा एपेक्स के लिए तरुण जैन को सर्वसम्मति से डायरेक्टर के रूप में चुना गया। इस मौके पर कोमल कुमार जैन, रूपलाल जैन, टिन्नी मिन्नी, विजय जैन अगल, रमेश जैन स्वास्तिक, मुकेश जैन वल्लभ, गुलशन जैन अशोक जैन, सुधीर जैन समुद्र, कमल जैन इंदिरा, विजय जैन, संजय जैन किडले, मुकेश जैन बिट्टू, संजय जैन नवकार, ललित जैन, राजन जैन केपी, रजनीश जैन गोल्ड स्टार, राजीव जैन, दीक्षित निट, अशोक जैन सिद्धार्थ, नरेंद्र जैन सोना, राकेश जैन के अलावा यूथ विंग के साहिल जैन, रम्यक जैन, संभव जैन, प्रणव जैन मौजूद रहे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। मैं राजीव जैन नव नियुक्त चेयरमैन जीतो लुधियाना चैप्टर जिन मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे लुधियाना के जितने भी पैटर्न मेंबर है कि उन्होंने मेरे को ये इस योग्य समझा कि मैं ये जिम्मेदारी निभा सकूँगा और मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि जीतो लुधियाना चैप्टर लेडीज़ विंग और यूथ विंग को साथ लेकर के हम जो भी कार्य करें सारे समाज को ऊपर उठाने के लिए चाहे वो आर्थिक तौर पर है, चाहे वो सामाजिक तौर पर है, चाहे वो बिज़नेस के तौर पर है या उनके मोरल्स को ऊपर करने के लिए जो भी हो सकेगा हम पूरी तरह तैयार रहेंगे। और इसके अलावा जितने भी जैन परिवार हैं यहाँ पे बिना छत के उनको जैसे कि हमने सपने संजोए हैं कि हमने 24 परिवारों को हमारे पहले ही वो घर दे चुके हैं उनको सबको अपने घर हर साधार्मिक भाई का हो अपना घर उस प्रयास के उसके चलते हुए हम प्रयासरत रहेंगे। पंजाब की खस्ता हाल सड़कों को लेकर आए दिन ही सड़क हादसों में इजाफा होता जा रहा है जिस कारण रोजाना ही अनेकों जाने मौत के मुंह में जा रही हैं। इसी के तहत नाभा का फ्लाईओवर जो कि खूनी फ्लाईओवर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस पर बड़े बड़े गड्ढे और ओवरब्रिज के आसपास पीपल के पेड़ भी उगने शुरू हो गए हैं। पिछले 2 वर्षों से प्रशासन की ओर से इस ओवरब्रिज की कोई भी सार नहीं ली गई है
और ना ही सरकार इस ओर कोई ध्यान दे रही है, जिसके रोष स्वरूप अकाली दल स्वतंत्र के राष्ट्रीय प्रधान परमजीत सिंह सहोली की ओर से चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और मांग की है कि अगर आने वाले समय में इस ओवरब्रिज पर पैच वर्क शुरू ना करवाया गया तो वे अपना संघर्ष और तेज करेंगे। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। अकाली दल स्वतंत्र जिहड़ा बार बार इन्ने हुम्मस धुप्प च लोगों नूं भी परेशानी हो रही है, बार बार सड़क ते असीं आ रहे हाँ। असीं तकरीबन जिहड़ा भी धरना लाउने आ, एक हफ्ता पहला अखबारां च तुहाडे चैनलां राहीं खबरां आ जांदियां ने कि प्रशासन अपना प्रबंध कर लवे। साडी मंग है जिहड़ी आ देख रहे हो तुसीं पुल ते बरोटे वह जगह उगते हुंदे ने जिहड़ा लबारस होवे, जिवें अपने नाभे च किला है पहला कचहरियां सी पुरानियां उत्थे बरोटे इस करके होए ने कि लबारस है उत्थे सप्प सलूंडी सारे साढ़े उरे दी वहीकल इन्ने लंघते ने। मसा तो बनाया रेलवे वाले ने पुल, ये भी बरोटे हो गए, फुटपाथ टुट गए, डिवाइडर नहीं रहे। कम जिन्ना चिर कम नहीं करते पंजाबी इन्हों भी जिमें आ दूजिया पार्टियां चाढ़ा सिखाया सिखाएंगे इन्हों भी कम करना ग्राउंड से आन हवा च ना रहन असी नाभे ए बना देंगे ए बना देंगे सब पता लगता है जिहड़ियां ये लुट्टा खोआ कर लग गए जिहड़े कहिंदे ने असी कट्टड़ ईमानदार हाँ। कट्टड़ ईमानदारी वाली गल चली गई, लोगों सब पता लगता है जिद्दे प्रूफ लोगों मिल गए। यह जो वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें लोग ढोल की थाप पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यह कोई विवाह शादी का कार्यक्रम या सभ्याचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह जालंधर के गुलाब देवी रोड पर स्थित पिंगला घर की तस्वीरें हैं, जिसमें यह अपाहिज बच्चे भांगड़ा डालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पिंगला घर में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया गया, जिसमें ADC जालंधर मेजर अमित सरीन ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ केक काटकर उनके सुख दुख को साझा किया। यह कार्यक्रम NGO एनिमल प्रोटेक्शन फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजर UB सिंह द्वारा करवाया गया। इस दौरान ADC अमित सरीन ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की और कहा कि आने वाले समय में भी इस तरह के कार्यक्रम करवाते रहेंगे और प्रशासन इन कार्यक्रमों में भाग लेता रहेगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सेवा हो रही है तो जिथे भी सेवा होंगी ना बंदे एक बार जाना चाहिए, अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए आ। मन के इन्ना इतने तरस आया इतने हालात देख के, फिर दूजे पास जो अज हर कोई जानता है कि एक नॉर्मल चीज़ आ, बजुर्ग लोगों को पता है जगह का पर बच्चों को नहीं पता जगह का। अजकल बच्चों को की पता आ मोबाइलों का गड्डिया का तो ब्रांड्स का। मैं चाहता कि हर कोई अपने पेरेंट्स उन्होंने रिक्वेस्ट करूँगा साढ़े समाज के जो पेरेंट्स आ तो जिहड़े अपने आप नूं जिम्मेवार नागरिक समझते हैं तो जिहड़े समाज के सरकारां दे विच और पॉलिटिशियंस नूं जो मैन्यू क्रिटिसाइज करते हैं वो अपने बच्चों नूं भी इत्थे लै के आण। तो कोई भी उपराला करो ना प्रशासन नूं नाल जोड़ो, सिर्फ सानूं ही नहीं इन्हां नूं भी अपडेशन चाहिए है, इन्हां नूं भी नाल जोड़ना पैंदा है। अपने आप नहीं चलते तो जिवें प्रेस का एक फर्ज हैगा आ एक सवाल चकना तो समाज का भी फर्ज हैगा आ कि प्रशासन नूं नाल खड़ना अपने। एनीमल प्रोटेक्शन फाउंडेशन को पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, उन्होंने बहुत अच्छा शलाघायोग काम किया है। इस तरह ही वाहेगुरु साहब इन्हों शक्ति दिता रहे, इदा ही अच्छे उपराले करते रहन। जिदा अज इन्होंने मैडिकल कैंप लगाया और मैडिकल कैंप के डॉक्टर फिजिशियन भी ने, आई चैकअप चल रहा, जनरल चैकअप चल रहा, डेंटल चैकअप चल रहा और द टीम इज़ वर्किंग वंडरफुली। बहुत सज्जने पिंगला घर के लगभग 300 इनमेट्स ने, उन्होंने सारा चैकअप चल रहा। पावरकॉम मीटर रीडर यूनियन आजाद की ओर से पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटियो के खिलाफ उनके ही शहर जंडियाला गुरु में रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर यूनियन के अलग अलग शहरों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जंडियाला गुरु शहर का चक्कर लगाकर झोली फैलाकर भीख मांगी और बिजली मंत्री और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के कार्यालय जंडियाला गुरु में पावरकॉम मीटर रीडर यूनियन ने एक बार फिर से अपना पक्का मोर्चा लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके सभी साथी फिर से ज्वाइन नहीं करते और उनका पिछला बकाया नहीं मिलता तब तक यह धरना जारी रहेगा। इस दौरान होने वाले जानी व माली नुकसान के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन की मैनेजमेंट और सरकार जिम्मेदार होगी। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। जो रोस मार रहे पावरकॉम मीटर रीडर यूनियन आजाद वालों जो रोस मार्स है उसका कारण का मुख्य कारण यह है कि बिजली मंत्री साहब वालों
28 तरीक नूं सानू जिहड़े 99 साथियों नूं जिहड़ियां ऑफर लैटर दे के साडा जिहड़ा धरना एक स्पीकर साहब दे संधवां विखे लगा होया सीगा जिहड़ा कि 5 महीने तो लगातार चल रहा सीगा ते 35 दिन तो लगातार उहनां दे जिहड़ा मुख दफ्तर आ उत्थे धरना मीट रीडरां दा चल रहा सीगा उहनां धरना नूं चकवाया गया कि तुहानूं ऑफर लैटर दे दित्तियां गईआं ते 1 तरीक तों पहलां ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚਲੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ 5 ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੇ ਆਗਮਨ ਪਰਵ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਕਾ ਭੋਗ ਡਾਲ ਕਰ ਕੀ ਗਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਟੀਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤੋਂ ਕੋ ਇਸ ਪਰਵ ਕੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਗੌਰਤਲਬ ਰਹੇ ਕਿ 19 ਸਤੰਬਰ ਸੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਾ ਆਗਮਨ ਪਰਵ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੇਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਉਤਸਾਹ ਕੇ ਸਾਥ ਮਨਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮੋਂ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ ਔਰ ਖੇਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਏ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਕਰ ਮਾਥਾ ਟੇਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਅਸੰਖਯ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 850 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਸਲ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਸ਼ਤੀ ਲਾਭ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 2022 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਟਿੱਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀ ਆਗਮਨ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਖਵਾਉਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰ ਪਕਸ਼ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਪਿਤਰੋਂ ਕੇ ਉਧਾਰ ਹੇਤੂ ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਐਵਮ ਨਾਰਾਇਣ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਮੇਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਯੱਗ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਧਰਮ ਪੀਠਾਧੀਸ਼ਵਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੰਦ ਤੀਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਸਥਿਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਕਸ਼ਟੋਂ ਵ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁੱਖੋਂ ਕੋ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਐਵਮ ਕਲਪ ਵਿਵਰਿਕਸ਼ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭੀ ਕੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਿਹਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀ ਐਸ ਪੀ ਜੂਲਰਸ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਰਮਨ ਜੈਨ ਓਐਸਡੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀਆ ਔਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹਰੇਕਾਂਤ ਝਾ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਰਾ ਧਰਮੇਂਦਰ ਸੰਜੇ ਚੱਡਾ ਪੰਡਿਤ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਕੁਮਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਰਿਤੂ ਸ਼ਰਮਾ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਵੀਨਾ ਦੇਵੀ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ
अश्विनी शर्मा धूप वाले, श्री कृष्ण मुरारी मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान चमनलाल कोछड़, महासचिव उमा महेश्वर, कैशियर नरेश राजन, अश्विनी भारद्वाज, सुभाष वर्मा और स्त्री सत्संग संकीर्तन मंडली की प्रधान वीना शर्मा सहित असंख्य गुरु भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। दर्शन करना हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है, हमारी क्रियाकलाप है, पूजा करना हमारी परंपरा है। हम अपनी परंपरा के अनुसार करें, दर्शन करें, क्या व्रत करें, तीर्थ स्नान करें, दर्शन करें, ये सब करना, दान करें, धर्म करें, यज्ञ करें, सब करें। लेकिन ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति इनमें से किसी में से नहीं होगी। भरोसे मत रहना कि इससे मुक्ति हो जाए, ये सब कर्म हमें करना है। अंतःकरण पवित्र होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, तब कहीं ज्ञान की योग्यता है। कहीं ज्ञान होगा ही नहीं। खंड प्रेम है, खंड श्रद्धा है, खंड भक्ति है, वहां ज्ञान स्थिर नहीं होगा। सुन तो ले मेरे, स्थिर नहीं होगा। स्थिर कहां होता है? जहां अखंडता है, अखंड भक्ति है, किसी कारण से टूटने वाली नहीं, छूटने वाली नहीं, मिटने वाली नहीं, मरने वाली नहीं। माता वैष्णो देवी मंदिर राम गली सैदा गेट जालंधर में अरोड़ा एवं मदान परिवार की ओर से कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर संकीर्तन मंडली की ओर से कीर्तन किया गया। इस मौके पर इंदु, कौशल्या, शोभा, सोनम, कमलेश, डोली, रानी शर्मा, नीरू, आरती, हिना, आशा रानी, रीटा नागपाल, नेहा, दीक्षा, गीतू, पुष्पा, काव्या, तनीषा, कशिका भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। Yeah.
वैष्णो देवी मंदिर से अपनी भतीजी का जन्मदिन मनाया है जिद करके त्याना अरोड़ा का असी माँ का आशीर्वाद लिता है और बहुत ही आनंद आया अज के कीर्तन के सू अरोड़ा फैमिली तो मदान फैमिली वालों ये कीर्तन करवाया गया है तो वैष्णो देवी मंदिर अजकल लोग बच्चों का बर्थडे बार वे वे होटलों से मनाते हैं इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए तुम मंदिर के माँ परमात्मा का आशीर्वाद लैके बच्चों का बर्थडे मनाओ गरीबों को हेल्प करो तुम इस तरह अपना बर्थडे बच्चे का मनाना चाहिए ताकि तुम्हें आशीर्वाद मिलता रहे। कलसी मेटल वर्क्स को उद्योग जगत में एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने वाले मनमोहन सिंह अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास गुरुद्वारा नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर नगर जालंधर में की गई, जिसमें रागी जत्थों ने वैरागमयी कीर्तन कर स्वर्गीय मनमोहन सिंह की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर अजीत समाचार पत्र के मुख्य संपादक बरजिंदर सिंह हमदर्द, पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल डॉक्टर इकबाल सिंह, सांसद चौधरी संतोख सिंह, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, वरिंदर धपई, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक सुशील रिंकू, अशोक मल्होत्रा, पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, रितेश खन्ना, पूर्व विधायक केडी भंडारी, सतीश जैन, राहुल कवात्रा, आशु सिंगला, अश्विनी सेठ, धीरज सेठ, नरेश तिवाड़ी, विकास अरोड़ा, हीरा सिंह सहित धार्मिक सामाजिक राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। मोनी भाई साहब मोनी कहते थे जी उन्होंने, आज मैं यही कहूंगा कि इंसान जो भी कोई प्यार करता है वो प्यार ओदा एक यादगार बन जाता है और यादगार के नाल नाल वो एक खजाना बन जाता है। अज और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फिरोजपुर पुलिस ने शरारती तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत दो अलग अलग मामलों में दो स्नेचरों और एक फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। जालंधर क्राइम ब्रांच देहात की पुलिस ने एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार, 700 ग्राम अफीम की बरामद। जालंधर के गांधी कैंप इलाके में एक 9 वर्षीय बच्ची पर पिटबुल कुत्ते ने किया हमला, बच्ची गंभीर अवस्था में अस्पताल में उपचाराधीन। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।